नमस्कार। कक्षा 12 के विद्यार्थी, हिंदी काव्य में हम देखेंगे पार्ट 2, मैथिलीषण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप अर्थात पश्चाताप। इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे उसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिलीषण गुप्त जी की जो एक रचना है साकेत, वहाँ से है। और इसमें कवि ने बड़े सुंदर ढंग से महारानी केकई के, जो राजा दशरथ की पत्नी थी, उनके मन की हृदय के दुख को बताया और ये भी बताया साथ साथ उनके जो पुत्र थे भरत जी, उनके हृदय की पवित्रता को भी कवि ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। तो यहाँ पे अनुताप का मतलब है पश्चाताप। यहाँ पे पश्चाताप है तो हम देखेंगे पश्चाताप। यहाँ पे इस प्रकार से केकई ने दो वरदान मांगे थे राजा दशरथ से कि एक से भरत को, एक तो क्या उन्हें मेरे पुत्र को अयोध्या का राज्य मिले, दूसरा 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी को हो। तो श्री राम जी वन चले जाते हैं, तब भरत जी आते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है कि उनके बड़े भाई वन चले गए, वो अपनी माता को दोषी ठहराते हैं और तब वे जाते हैं उन्हें लेने के लिए। तो सारे राज्य के लोग और ऋषि मुनि गुरु वशिष्ठ वगैरह सब वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे श्री राम जी से गले मिलते हैं। अब वहाँ पे जो है एक सभा बुलाई जाती है, वहाँ पे सभा बुलाई गई है। तो चित्रकूट की इस सभा में केकई अपने ममतामय रूप की कमजोरी को भी मानती है कि भाई मेरे से गलती हुई है, और वो अपने भूल के पश्चाताप को प्रकट करती हैं। केकई का मानना है कि संसार में सदैव सद्वृत्तियों का पालन नहीं होता, वरन दुष्ट प्रवृत्तियां भी गतिशील होकर व्यक्ति को प्रभावित करती रहती हैं। तो किस प्रकार से सारी सभा के सामने वो अपनी बात रखती हैं। तो पंचवटी में वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और आश्रम में सभी लोग जो है सभा के सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ हम पढ़ते जाएंगे और ये समझेंगे आप। यहाँ तक पढ़ेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का अर्थ देखेंगे। ए यहाँ तक तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, तक तकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे, उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महक कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। तो उटज का अर्थ है यहाँ पे पर्णकुटी। पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, पर्णकुटी। तो यहाँ पे श्री राम जी के पर्णकुटी यानी आश्रम में जो कुटिया बनी थी उसके आगे सब लोग खुले आकाश के नीचे बैठ गए सभा लगा के। बहुत दीप बहुत जागे, और ऐसे समय में रात के समय में आकाश में बहुत सारे दीप यानी तारे चमक रहे थे, जल उठे थे, तक तक ही लगाए नयन सुरों के थे, सुरों के माने देवताओं के। तब देवता लोग, देवता आकाश में सभी देवता इस विधि कार्य विधि को देख रहे थे कि देखते हैं कि भरत जी कहीं अपने उद्देश्य में कामयाब न हो जाए। तो उनके मन में भी उत्सुकता थी, वो भी उस परिणाम उत्सुक उन भय तुरों के थे वे, और उनके मन में भय था, डर था कहीं भरत जी श्री राम जी को वापस ना ले जाएं, और उनका जो उद्देश्य वो जो है जिस उद्देश्य के लिए श्री राम को वन में देखना चाहते हैं तो वो वापस न ले जाएं, श्री राम कोई कठोर या भरत जी कोई कठोर निर्णय ना ले लें,
उनके मन में इस चीज का भय था। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कागर। और पास ही बाग में लगे हुए करौंदा, करौंदा बच्चों एक फल होता है, खट्टा होता है वो, ये करौंदा होता है, ये खट्टा फल होता है करौंदा, करौंदा एक फल है ये। तो वहां पे उसके जो फूल थे उसमें सुगंधित फूल थे, उसकी वायु वहां बह रही थी और सबके मन को महका रही थी, उस वातावरण को बहुत सुंदर महका रही थी। वह चल लोक था कहां चांदनी वैसी, और उस समय आकाश में स्वच्छ सफेद चांदनी फैली हुई थी, और उसके आलोक में, उसकी मतलब चांदनी में, वहां पे सारा चांदनी रात हो रही थी और बहुत ही सुंदर वातावरण वहां का था। और इसी समय उस सुंदर वातावरण में भगवान श्री राम जी गंभीर वाणी में, समुद्र के समान गंभीर वाणी में, नीर निधि, नीर निधि का मतलब है सागर, अर्थात गंभीर वाणी में उन्होंने बोलना शुरू करा सभा के आगे। श्री राम जी ने क्या बोला तो आगे हम देखेंगे। ये देखेंगे दो, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजोग हो गए भंग हुई जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया शेष तदपि क्या मेरा। और अब यहाँ पे वो कहते हैं, श्री राम कहते हैं, यहाँ पे श्री राम उनसे कहते हैं, भरत जी से पूछते हैं कि हे भ्राता भरत, हे स्नेही भरत जी, आप अपने मन की बात को, अभिलाषा को कहो। अभिषिक्त अपना का मतलब है अपनी मन की इच्छा को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, उनकी श्री राम जी की बात सुन के सभी का मतलब मन के जो तंद्रा थी टूट गई, ऐसा लगता था जैसे किसी का सपना भंग हो गया हो। अभिषिक्त मान होता है इच्छा। और हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, उन्होंने कहा हे श्रेष्ठ, हे भ्राता श्री, क्या भरत का अभी भी कोई इच्छा रह गई है, क्योंकि मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, जब वो कहते हैं, हे भरत जी कहते हैं कि जब उन्हें बिना किसी परिश्रम के राज्य मिल गया, तो मेरी कोई मनोकामना शेष नहीं रही है, लेकिन मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है, लेकिन तथापि मेरा तनु तड़प तड़प कर प्राप्त ताप ने त्यागा। यहां पढ़ेंगे, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, अरण्य का अर्थ है वन, लेकिन वो भरत जी कहते हैं हे भ्राता श्री राम प्रभु, मेरे को तो अकंटक राज्य मिल गया, लेकिन तुम्हें तो वन का बसेरा मिला, अर्थात आपने वन में अपना घर संसार बना लिया, तो उन्हें दुख होता है। तो श्री राम जी से पूछते हैं कि हे भरत जी आप अपने मन की बात कहो। तब भरत जी कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, जिस व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है उसके जीवन में अब क्या शेष है गया, और तुम्हें तो ये वन मिला, और तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तात माने पिता, तात माने पिता। अब हे श्री राम प्रभु, श्री राम भैया, अब आप ही बताओ, श्री राम जी ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए, क्या रहा अभिषिक्त और तथा भी अभागा, तब आप ही बताओ अब मेरे मन की क्या अभिलाषा रह गई। भरत जी ने कहा हे भाई, मुझे अत्यंत गलानी हो रही है, अत्यंत दुख हो रहा है कि हा
इसी आयश के हेतु जनन था मेरा। आयश माने बुराई, जनन माने जन्म, के जन्म, क्या मेरा जन्म इसी आयश बुराई के लिए हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और वो आगे कहते हैं कि मेरी माँ ही के हाथों मेरा जो है जीवन नष्ट हो गया, और अब तुम बताओ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे अपनी माँ से विरक्ति हो रही है, और अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका। तो वो कहते हैं हे माँ, उस भरत का अब क्या शेष रह गया, अर्थात उसकी कोई इच्छा नहीं रह गई, जिनके पिताजी तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए, जिनके बड़े भाई वन को चले गए, और जिनकी माता ने उनके जीवन को दुखी बना दिया, माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, ऐसे अभागे भरत के जीवन में अब क्या शेष रह गया। तो वह अपने आप के मन के मन में बहुत सोचते हैं, अपने मन के जीवन को धिक्कार मानते हुए कहते हैं। तो राम से कहते हैं कि हे भैया, अब आप बताओ मेरा क्या इस संसार में क्या, क्योंकि जिस माँ ने निज जननी के हाथ हनन था मेरा, निज माने अपनी, मेरी माँ जो केकई हैं उन्होंने को जन्म दिया, लेकिन मुझे क्या पता था भाग्य ने कि उनके द्वारा ही मेरे जीवन का अपयश होगा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, अब तुम ही बताओ हे श्रेष्ठ भगवान श्री राम, आप ही बताओ कि कौन दुखी है, अर्थात जो मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया वो नहीं जान पाई, और उन्होंने कहा कि मेरी अब क्या इच्छा हो सकती है, सारा संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, उसने उससे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। तब वो कहते हैं कि मेरी माँ की चालाकी से मेरा जीवन नष्ट हो गया है, अब मेरा क्या घर है, अब मैं किसको अपना मुंह देखूं, और मैंने ही आज अपनी माँ से अपना मुंह फेर लिया, अर्थात मैं अपनी माँ से का मुख देखना नहीं चाहता। आगे देखेंगे पेज पे, प्रभु ने हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिक्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, उनके आयस की था मिलेगी किसको, जननी ही जान न पाए जिसको। कहने को तब है अब हे भैया श्री राम, आप ही बताओ मेरा क्या इच्छा रही है, कि तभी भगवान ने उनकी कोमल वाणी और उनकी बात को देखकर उन्हें बड़ी दया आई, और उन्होंने अपने भाई भरत जी को उठाकर गले से लगा लिया, और उनके आंखों से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और रोते हुए उन्होंने अपने भाई भरत जी को तसल्ली दी। उसके आयश की या था मिलेगी किसको, तो उन्होंने कहा कि भरत जी तुम्हारे के मन की मांग की था को कोई नहीं जान सकता, और वो कहते हैं जनकर जननी ही जान ना पाए जिसको। भरत जी कहते हैं कि वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया वही मेरे मन को नहीं जान पाई कि मेरे मन में क्या है। तब भरत जी कहते हैं ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सुनकर अटल केकई स्वर को। तभी उन दोनों भाइयों को रोता हुआ देखकर माँ केकई को बहुत पश्चाताप होता है, और वो जो है कि कहती है कि ये जो घटना हुई अब तुम जो है अपने घर को लौट चलो। वो श्री राम को कहती है कि अब तुम अपने घर को लौट चलो, अर्थात मैंने ना समझी में जो तुम्हारे वनवास की कामना की उस भूल को भुला दो। ये बात सुनकर सब देखने लगे कि ये बात किसने कही। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार आवृता यथा विधु लेखा। विधु लेखा मतलब विधि का लेख, विधि का लेख, विधि यानी विधाता, अर्थात उस समय सबने अचानक रानी की बात को देखा कि जो रानी
इतनी कठोर हृदय थी, आज उसके मुख से एक ऐसी बात है, उन्होंने अचानक उसको देखा जो वैसे ही वैधव्यता को धारण करके विधवा वस्त्रों कपड़ों में थी और विधि के लेख को के अनुसार उनका जीवन था। ऐसी केकई दुखी केकई को सबने देखा जब वो बोलने लगी। तो वो केकई जी सफेद कपड़ों में वहां बैठी हुई थी, बैठी थी अचल तथापि असंख्या तरणा, और यद्यपि केकई निश्चल बैठी हुई थी तथापि उसके सामने अनेक भाव उनके मन में उठ रहे थे, और वह सिंघी अभी हा वो मुखी गंगा, सिंघी माने वीर, सिंघी माने आते वीर, वीर नारी, वीर नारी सिंह के समान। यद्यपि केकई जी स्थिर बैठी हुई थी और उनके हृदय में अनेक प्रकार के भाव की लहर आ रही थी, उठ रही थी, सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली वह केकई अब गंगा के समान, गोमुखी गंगा के समान शीतल और शांत रूप को धारण करके पवित्र हो उठी थी, अर्थात उनके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी वचन सुनकर सभी ओर लोग उनको देखने लगे। तब वो कहती हैं, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं को ये माना। केकई कहती हैं केकई कहती हैं कि हाँ कि सही बात है कि मैंने अपने पुत्र को जन्म अवश्य दिया है, लेकिन मैंने उसको जन्म अवश्य दिया लेकिन मैं उनके मन को नहीं जान पाई कि भरत जी अपने भाई श्री राम को कितना प्रेम करते हैं, उनके मन में जरा भी लालच नहीं है। तो मैं तो सोचती थी कि जो मैं कहूँगी मेरे भरत मेरे पुत्र उस चीज़ को मान लेंगे, लेकिन मैंने जन्म अवश्य दिया है लेकिन मैं अपने बेटे के जन उनकी उनके मन की बात को नहीं जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तार तुम्हारी मैया। तब केके कहती है यदि ये बात है तो सब सुन लें, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी ये माना, यह सच है तो लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तार तुम्हारी मैया। तो कहती हैं कि क्या अब जो सब बात देख ली कि मैं अपराधी हूँ और सबने देख लिया तो मेरा मैं सबके लिए अपराध अपराधिनी हूँ, और वो मेरे वन भेजने में भरत का कोई हाथ नहीं है, मैं अपराधीन हूँ, और इसलिए अब सुन लो अब आप घर लौट चलो। फिर वो कहती हैं दुर्बलता का ही शेष विशेष शपथ है, वो कहती हैं शपथ लेना जो मैंने राजा दशरथ से शपथ ली थी कि तुम मुझे दो वरदान दो, ये भी एक दुर्बलता का चिन्ह है, अर्थात ये भी एक कमजोरी है, इसलिए हमें किसी से कसम नहीं लेनी चाहिए। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, तो कहती है मैं एक नारी के लिए मेरे लिए क्या कौन सा रास्ता था, मैं किस मार्ग की ओर जाती, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो कहती हैं यदि मैंने भरत को उकसाया हो या उसे कहा हो कि तुम्हें राज्य चाहिए या भरत ने मुझसे कहा हो, ऐसा नहीं है, तो मैं पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं, यदि मैंने ऐसा अपराध किया है तो मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। अर्थात तो कहती हैं कि भरत निश्चल हैं, मैंने भरत को नहीं उकसाया कि तुम ऐसा करो, मैंने ही यह अपराध किया है, यदि मैं ऐसा करती हूँ तो मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो। तब वो कहती हैं सब लोग कहते हैं कि अब रुको मत, ठहरो मत, यानी उसे जो मैं कह रही हूँ बात को ध्यान सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। कहती हैं यदि इसमें कोई बात है तो उसको ध्यान से उसका निर्णय करके उसे सुन लो, उसको पहचान लो, करके पहाड़ सा पाप कौन रह जाऊं।
पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। वो कहती हैं मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि ये पाप का पहाड़ बन गया है, कि जिस प्रकार से पहाड़ होता है इतना ऊंचा, इतना विशाल पाप मैंने किया है, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मैं चुप रह सकती हूँ? नहीं, राय भर भी अनुताप ना करने पाऊं। तो कहती है क्या मेरे को ये अधिकार नहीं है इस सभा के आगे कि मैं अपने मन के पश्चाताप को थोड़ा सा भी आपके सामने व्यक्त करूं? वो कहती है दंड स्वरूप यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या मैं चुप रहूं? थी सनस नक्षत्र शशि दिशा ओष्टपति। तो के कहती है कि जब उस समय के कहती है कि मैं इतने बड़े पहाड़ जैसे पाप का भी पश्चाताप करके चुप रह जाऊं और राय जैसा छोटा पश्चाताप भी ना करूं, जिस समय कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जुड़ी हुई सनक्षत्र माने तारों से जुड़ी, तारों से जुड़ी हुई शशि निशा, शशि निशा माने होता है चंद्रमा की रोशनी, मतलब तब वो शशि दिशा मतलब चंद्रमा की रोशनी, मतलब यहाँ पे तो चांदनी रात, इसे शशि दिशा बोलता है चांदनी रात, चांदनी रात पढ़ेंगे हम, चांदनी रात ओष्ट पकाती थी, चांदनी रात में ओष्ट पक रही थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थप थपकाती, और रानी अपने मन के से आंसू की वर्षा कर रही थी, नीचे मौन सभा भी अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, अर्थात जिस प्रकार से वहां के वातावरण में शांति थी और ओष्ठ पकड़ी थी, ठीक वैसे ही वहां पे सभी सभा के लोग उस केकई की इस दशा को देखकर और दोनों भाइयों के प्रेम और करुणा को देखकर उनका मन भी आंसू से भीग गया। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और भेद खेद भरती थी, जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश फैला रही हैं, यानी विस्मय खेद करती दीप्त करती, दीप्त माने प्रकाश करना, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, सब में भय विस्मित घेर करती थी, अर्थात जो राजिस रानी से सब डरते थे और कठोर थी, आज वही रानी उस सभा में शांति और शांति का प्रकाश फैला रही थी। क्या कर सकती थी मैं, मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी। तब वो कहती हैं कि मंथरा ही क्या कर सकती है, वो कहती हैं कि केकई ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था, क्योंकि मैं अपने बल को ही, अपने मन को ही ना समझा सकी, अर्थात मेरा मुझे अपने बल पर ही अपने मन को मैं ना बदल सकती थी, वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था, मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम्ही में जागे। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें, तो कैकेयी जो अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कहती हैं, तो सभा को संबोधित करते हुए अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थिर मन, घर में लगने वाली जो आग है, मेरा मन न अरे अधीर अभागे, अधे अभी मन के मन को, मतलब मन को संबोधित करते हुए, तो अपने मन को संबोधित करते कहती हैं कि तू अभागा है। वो कहती हैं कि अपने मन को संबोधित करते कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थिर मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठटरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू भी जल, ये ना वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। तो ये कहती हैं के कहती हैं कि जो जलने वाले भाव थे इसी मन में जागे थे, इसलिए पर था मेरा क्या ज्वलित भाव ही मन में,
क्या शेष बचा था पूछना अब इस जन्म। वो कहती हैं, वो आगे प्रश्न करती हैं कि क्या इस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव नहीं था। तो इस प्रकार से कैकेयी जो है अपने मन को मतलब संबोधित करते हुए कहती हैं कि इस मन में, इस पापी मन में ही ईर्ष्या के और आग लगाने वाले भाव जागे थे। यही मन था जिसकी वजह से मैं से अपराध हुआ है। क्या शेष बचा था कुछ ना इस जन्म में। वो कहती हैं कि अब मेरे मन में क्या था, कुछ भी शेष नहीं था, सिर्फ ईर्ष्या ही भाव भरा था और कुछ भाव विद्यमान नहीं था। मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। तो ये बच्चों हमने जो है इस जो हमने पदों की व्याख्या समझी है, इसका अर्थ आप समझ लेंगे और इससे आगे का जो हम आगे देखेंगे आगे वीडियो में इसका अर्थ समझाया जाएगा, इसका अर्थ आप समझ लेंगे और इसे कोई दिक्कत है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।